भले ही आज विशाल आदित्य सिंह से लिंकअप्स की खबरों में बनी रहती है, पर एक टाइम पर सना को उनकी ब्यूटीफुल स्माइल और डिंपल्स की वजह से रिकॉग्नाइज कर लिया जाता था। सना इन रियलिटी कैसी है, उनका रियल नेम क्या है और क्यों वो टीवी शोज में काम मिलने के बाद मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने गई, बार बार पब्लिक के सामने वो क्यों नर्वस फील करती है और कैसी है उनकी फैमिली से लेकर करियर तक की लाइफ। सना मकबूल की लाइफ से जुड़ी सारी अनजानी बातें जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, पर उससे पहले मैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सना मकबूल का जन्म 13 जून 1993 को मुंबई महाराष्ट्र की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जहां उनकी फैमिली या पेरेंट्स कभी कंजर्वेटिव नहीं रहे बल्कि हमेशा ही उनके सपनों को सपोर्ट किया। वैसे तो सना कभी भी पेरेंट्स से डिमांडिंग नहीं रही, पर उन्हें किचन सेट्स का बहुत शौक था और वो बचपन में घर घर खेला करती थी। तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें किचन सेट लाके दिया था जिसपे वो ओरियो केक और काफी कुछ बना चुकी है। घर घर खेलते टाइम कुकिंग का उनका ये शौक बड़े होके भी उनके साथ रहा और वो आज भी कुकिंग बहुत पसंद करती है। सना बताती है कि उनके फादर उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे और सना के एक बार ही मोबाइल मांगने पर जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तभी उनके फादर ने उन्हें फोन गिफ्ट दिया था और वो उनकी क्लास में फर्स्ट स्टूडेंट थी जिनके पास उस टाइम फोन हुआ करता था। फिर जब सना 18 साल की हुई तब उन्होंने पहली बार एक लड़के को डेट किया था और वो उनकी फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप थी, पर बाद में करियर डिफरेंसेस और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो मूव ऑन हो गई। बाद में डिज्नी के एक शो करते टाइम सना के शो से नेक्स्ट शो में एक एक्टर का शो आया करता था और वो एक्टर सना का बहुत तगड़ा वाला क्रश बन गया था। सना बताती है कि उस एक्टर से पहली बार उन्हें सेलिब्रिटी क्रश हुआ था और वो उसे देख देख के बहुत खुश हुआ करती थी। बाद में इस प्यार को क्या नाम दूं के लीड एक्टर वरुण सोबती भी उनके क्रश रह चुके हैं। बचपन में मस्तीखोर और फन लविंग रही सना धीरे धीरे सिंसियर भी हो गई और अपनी ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज से कंप्लीट की, पर क्योंकि बचपन से ही उन्हें मेकअप करने का, क्लोथ्स खरीदने का, सजने संवरने का शौक था, धीरे धीरे उन्हें जल्दी ही रियलाइज हो गया कि उनका वो शौक उनका मिस इंडिया बनने का सपना भी है। इसलिए उन्होंने करियर में काफी आगे बढ़ जाने के बाद इस प्यार को क्या नाम दूं शो में लावण्या के रोल से पॉपुलर हो जाने के बाद यह 2012 में फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो टॉप 20 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाई और फेमिना मिस इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल टाइटल की विनर रही। और सभी लोगों का मानना है कि उन्हें सही टाइटल दिया गया क्योंकि सना सच में ही अपनी क्यूट सी डिंपल वाली स्माइल की वजह से पहचानी जाती है। वैसे सना बताती है कि वो शॉपरहोलिक है पर ब्रांड्स के पीछे कभी पागल नहीं रही और सस्ते सुंदर कपड़े खरीदने में ही बिलीव करती है। सना का रियल नेम सना मकबूल खान है, पर तेलुगु मूवीज में काम करने के बाद उन्होंने अपना नाम सिर्फ सना मकबूल रख दिया, जिसका रीजन शायद इस नेम की काफी एक्ट्रेसेस होना भी रहा हो। खैर, तो फेमिना का टाइटल अपने नाम कर लेने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में 15 साल की उम्र में मॉडलिंग से की थी, जब उन्होंने एमटीवी स्कूटी टीन डिवा ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था और वो उस टाइम हद से ज्यादा नर्वस थी। बाद में मॉडलिंग से लेकर टीवी शोज तक का सफर उन्होंने तय किया। टीन डिवा के बाद वो ईशान सपनों को आवाज दे म्यूजिकल सीरीज में भी देखी गई, जिसके बाद उन्हें करण कुंद्रा स्टारर शो कितनी मोहब्बत है के सेकंड सीजन में भी चांस मिला। पर सना को अभी तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिली थी जो उन्हें इस प्यार को क्या नाम दूं में लावण्या कश्यप के रोल से मिली और इसी रोल ने उन्हें बहुत पॉपुलर कर दिया था। जबकि सना इसमें लीड रोल में नहीं थी, फिर भी सभी को लावण्या का कैरेक्टर काफी पसंद आता था। उसके बाद वो फोर लायन फिल्म्स की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड सीरीज अर्जुन में शलीन मल्होत्रा के अपोजिट नजर आई और अगेन सना के रोल को फिर से अप्रिशिएट किया गया। ये वो ही साल था जब सना मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर साल 2014 में उन्होंने अपना पहला तेलुगु फिल्म डेब्यू किया दिकुलु छोड़ाकू रमैया से और उसी दौरान उन्होंने अपना स्क्रीन नेम सना मकबूल रख दिया। साथ ही उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेज परफॉर्म भी किया था। इस मूवी में उन्होंने समहिता नाम की एक एरोबिक्स टीचर का रोल प्ले किया था, जिसके प्यार में एक सन और फादर दोनों पड़ जाते हैं। बाद में वो एक तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म रंगून में भी देखी गई। उसके बाद 2019 में हिंदी शो विश में विशाल वशिष्ठ के अपोजिट भी। वैसे सना को इस प्यार को क्या नाम दूं, अर्जुन, आदत से मजबूर और विश इन चार शोज से बहुत रिकॉग्निशन मिली थी। एंड रिसेंटली उन्हें खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर में देखा जा रहा है, जिसमें उनकी और विशाल आदित्य सिंह के रिलेशनशिप के रूमर्स काफी वायरल है और दोनों को साथ में पसंद किया जा रहा है और सना की पॉपुलैरिटी इस शो से और भी ज्यादा अप गई है। लास्टली, सना रूटेड रहना ही पसंद करती है। उन्हें आज तक नहीं लगता कि वो एक सेलिब्रिटी है और उन्हें लोगों से मिलने वाला प्यार तो बहुत पसंद है, पर जब भी वो क्राउड में या सेट्स पर होती है तब वो सबसे नर्वस फील करती है और पॉपुलैरिटी से दूर भागती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें रिकॉग्निशन की फीलिंग पसंद नहीं, बल्कि उन्हें पॉपुलैरिटी से तो प्यार है, पर क्राउड में वो काफी नर्वस फील करती है और ये एक ऐसी चीज है जो वो अपने करियर के स्टार्टिंग से अभी तक चेंज नहीं कर पाई। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी सना मकबूल की लाइफ से। आपको सना और विशाल की बॉन्डिंग कैसी लगती है कमेंट जरूर करें और साथ ही यदि आप विशाल आदित्य सिंह की लाइफ स्टोरी देखना चाहते हैं तो
तो ये भी कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।